दोस्तों हम फटाफट से बनाते हैं एग मसाला। सबसे पहले मैंने कुछ एग्स बॉईल कर लिए हैं और साथ ही मैंने बॉईल कर लिया है 3 टमाटर और करीब 12 से 15 पीस काजू के, इसे भी मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद अन्नों को मैंने छील के रख लिया है। और तब तक जो हमारा ये बॉइल्ड ओनियन और काजू है, इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और मैंने अंडों को फ्राई कर लिया है दोस्तों, और साथ ही मैंने जो हमारा पैन है वो प्री हीट हो गया है, इसमें ऑयल मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, और ये गर्म हो गया है। और इसमें साथ में मैंने सबसे पहले डाल दिया है वो है जीरा। देख सकते हैं आप जीरा किस तरह से ये क्रैकर्स हो रहा है। इसके साथ ही इसमें मिला देंगे 2 से 3 पीसेज तेज पत्ता, और इसमें हम मिला देंगे 4 से 5 पीस सूखी मिर्च। चलिए इसे हम बढ़िया से सॉटे कर लेते हैं। अगला हमने ये इसमें मिलाया है ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 से 1.5 स्पून आप जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाएंगे और इसे बढ़िया से हम इसे फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो हमारे जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल जाएंगे। इसी के साथ इसमें मिला देते हैं, मैंने करीब 4 जो है मीडियम साइज के ओनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, इसे भी इसमें हम बढ़िया से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, फिर से चलिए हम चला देते हैं बढ़िया से। इसके साथ ही हम इसमें जो हमने वो टमाटर और काजू का जो प्यूरे बनाया है, पेस्ट बनाया है, वो मिला देते हैं और उसे भी हम बढ़िया से चला देते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ऑयल जो है साइड से सेपरेट होने लग गया है, हमारे मसाले पक रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारे मसाले हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर, आप 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाला, साथ में मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आप ये 3-4 चम्मच डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि इसे तीखा नहीं होता। और अगला मैंने ये डाल दिया है, ये है गरम मसाला, 2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला, और ये है मेरा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप 3 से 4 चम्मच तक डाल सकते हैं, ये ग्रेवी को गाढ़ा करता है। इसे बढ़िया से हम सॉटे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया है तो कलर कितना बढ़िया उभर के आया है। इसे हम बढ़िया से इसी तरह चला लेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक, सॉल्ट। सॉल्ट हमारे स्वाद के अनुसार होना चाहिए, एज पर योर टेस्ट। इसी के साथ इसमें हम हमारा अगला आइटम है वो है जीरा पाउडर, तो करीब मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर भी मिला दिया है। और जीरा पाउडर के साथ ही हम इसमें बढ़िया से इसे हम चला देंगे। इसे में ध्यान रखना है कि गैस के फ्लेम को मीडियम में रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। चलिए इसे हम लिड से कवर कर देते हैं और इसे हम मीडियम आंच पे पकने देते हैं। देखिए किस तरह से ये मसाले जो हैं मैसी हो गए हैं और ये पकने लग गए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा वाटर डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, जिससे मसाले हमारे जले नहीं, और इसे हम फिर से बढ़िया से मिला लेते हैं।
लिड को कवर कर देते हैं और इसे हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे मसाले जो हैं वो करीब करीब बन के तैयार होने वाला है। लिड को फिर से कवर कर देते हैं और इसे थोड़ी देर हम 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। आप देख सकते हैं पूरे मसाले पक गए हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और मैंने इसमें जो है ये करीब 1 कप पानी और मिला दिया है, क्योंकि चूंकि हम चिकन मसाला बना रहे हैं ग्रेवी, इसलिए। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ये कसूरी मेथी। इसे हम हाथ से क्रश करके मिला देंगे। इसे भी हम बढ़िया से मिला देते हैं और जब इसमें बॉयल आने लगे, आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया बॉयल आ रहा है, तो जो हमारे जो अंडे हैं फ्राई किए हुए, इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अंडों को हमने इसमें बढ़िया से मिक्स कर दिया है। कितना बढ़िया बॉयल आया है। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप अंडों को जब बॉयल करते हैं तो आप टूथपिक से इसमें थोड़ा थोड़ा पिन होल कर सकते हैं। साथ ही ये मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बटर, ये ऑप्शनल है, आप बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, और साथ ही मैंने डाला कुछ फ्रेश क्रीम, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। चलिए इस ग्रेवी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और इसके ऊपर हम जो है फ्रेश धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स को मैंने फाइनली चॉप किया और इससे इसको हम गार्निश कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो एग मसाला है वो बनके तैयार हो गया है। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। थैंक यू।